सेवन क्लास हम लोग अपना चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट किया था, इसके एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आज इंशाल्लाह हम लोग अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट करेंगे, इसका जो हाफ पार्ट है हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हमारे रिमेनिंग रह जाएगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब फैक्टर्स डेट कैन ब्रिंग डेली एंड ईयरली चेंजेस इन द हैबिटेट। हम लोगों ने उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो की वजह से जो हैबिटेट है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 37 पर दिया गया है। द फैक्टर्स काजिंग चेंजेस इन द हैबिटेट, इसकी मेन हेडिंग दी गई है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर आर एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। चेंजेस इन दीज फैक्टर्स ब्रिंग चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ द हैबिटेट। के लाइट, टेम्परेचर, एयर और सॉइल और वाटर, ये जो सारे फैक्टर्स इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं इनके अंदर चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है हैबिटेट की उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। सम अदर नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमंस आ कैन आल्सो चेंजेस इन द हैबिटेट। इसी तरह से कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से जो हैबिटेट होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है जो कि हैबिटेट को चेंज करने में अपना रोल प्ले करता है वो है सनलाइट। सनलाइट किस तरह है? सनलाइट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इन द अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी, वो सबसे मेजर जो एनर्जी का सोर्स है ज़मीन के ऊपर। प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू मेक देयर ऑन फूड। इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो इसी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। और इंडिपेंडेंटली ह्यूमंस जो हैं वो भी ज़्यादातर प्लांट्स के ऊपर इन्हसार करते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स ऑफ फॉर फूड। जैसा कि बताया गया है कि जो अर्थ के अंदर जो भी जितनी भी चीज़ें पर मौजूद होती हैं वो के उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। दे ऑल्सो नीड लाइट फॉर देयर सर्वाइवल, और इन्हें इसी लाइट की यानी कि सन लाइट की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। लाइट इन इंटेंसिटी इफेक्ट्स द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द हैबिटेट, के जो लाइट इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट में रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ एनिमल्स नंबर इन द हैबिटेट, कि अगर जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ में कमी आएगी तो इसी वजह से जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ में भी कमी आएगी, क्योंकि जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो जानवर होंगे जो कि उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें खुराक नहीं मिलेगी, उनकी डेथ हो जाएगी। और जिनको प्लांट्स की वजह से शेल्टर मिलता है, जब उन्हें शेल्टर नहीं मिलेगा तो वो प्रे हो जाएंगे, उनका जो प्रीडेटर्स हैं उनका प्रे कर लेंगे, जिसकी वजह से उन्हें कमी आ जाएगी। इसी तरह से जो सनलाइट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब पे इफेक्ट करती है एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ मौजूद है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे चेंज के अंदर चेंज जो है हमारी पॉपुलेशन को किस तरह से इफेक्ट करता है। टेम्परेचर कैन ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। मैनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर में डिस्टर्ब द हैबिटेट, कि इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा चेंज आना टेम्परेचर के अंदर और बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हैबिटेट के अंदर। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो इसकी वजह से भी हीट स्ट्रोक होने का खतरा होता है, जो मैसिव डेथ्स हो जाती हैं। और उसके अलावा अगर जो मौसम टेम्परेचर है वो फॉल हो जाएगा यानी कि लो हो जाएगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल वार्म वाटर कंटेन लेस ऑक्सीजन, के जो गर्म पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन की कम होती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, एक्वेटिक लाइफ है, उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो लोग उनको सही प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से ये एक्वेटिक लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्ले करेगा। नेक्स्ट है वाटर। वाटर जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर जो है लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर देयर इज सम मोर वाटर मोर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, देयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन अ हैबिटेट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस डेट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन इन्फ्लुएंस इट्स ऑर्गेनिज्म। जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है लाइफ के लिए। जहाँ पे ज़्यादा हुआ पानी होगा ज़ाहरी बात है वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। उसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन इज अनदर फैक्टर दैट चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। देन अ फ्यू इंडिविजुअल्स कम टू एन एरिया इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन यानी कि हिजरत करना, कि जो माइग्रेशन है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हैबिट होने में अपना रोल प्ले करता है। यानी कि अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटर फैसिलिटीज़ की वजह से एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं तो जिस एरिया की तरफ वो माइग्रेट करके जाते हैं जहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, जब वो वहाँ पे माइग्रेट करके जाएंगे तो ज़ाहिर बात उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होगा, जिसकी वजह से जो हैबिटेट है उसके अंदर चेंजेस आएंगे। डेट एरिया ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग प्लेसेस। जिस तरह के बताया गया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं? बेटर लिविंग प्लेसेस की वजह से वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसा कि हम लोग देखें अगर गांव के लोग शहर की तरफ माइग्रेट करके जाते हैं, क्यों? बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए। इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइग्रेट करके जाएंगे, जिस एरिया पे वो माइग्रेट करके जाएंगे वहाँ की पॉपुलेशन में इजाफा होगा। इसी तरह से जो माइग्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हैबिटेट के चेंज के अंदर।
आज के लिए इतने काफ़ी, आप लोगों ने सच्चे याद करना है, अपने नोटबुक्स पे नोट भी करना है, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।